ना वो जुगाड़ कर रहे हो दोबारा तो फोन कर लेगा फोन करूंगा आओ फोन ही कर दो आप भी आते परिवार वालों से भी मेरा निवेदन है कि आप भी उनको उनकी स्मृति हमेशा हमारे दिमाग में तरोताजा रहे। विद्यार्थी थे और जब गए तो 350 विद्यार्थी छोड़ के गए। ये पूरे जिले में एक बहुत बड़ी पहचान थी अपने विद्यालय की। दिरोल का नाम अतिरिक्त चौकदार जी, स्टाफ और पूरे गांव का नाम, पूरे जिला स्तर पर सम्मान से लिया जाता है। ये उन्हीं का कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में, एक प्रशासक के रूप में उनकी गिनती होती थी। 4 साल में भी व्यक्ति से उनके साथ रहा। सबसे बड़ी बात थी कि 1 मिनट कोई बात हो जाती या जोर से बोल जाते, 2 मिनट बाद में तुरंत आ जाते व्यक्ति से और तुरंत वैसे जैसे पहले थे वैसे का वैसा, मतलब प्रशासक होने के बावजूद खुद पहल करते। ऐसा गुण किसी प्रशासक में मिलता नहीं है, उन्हीं में था। जिसके कारण ही आज भी हम जब विद्यालय की ओर देखते हैं तो उनकी स्मृति तरोताजा हो जाती है। पूरे गांव में उनका एक अलग सम्मान था। पूरे ब्लॉक में भी प्रशासक रहे, बीओ रहे, तो नवलगढ़ नहीं पूरे जिले में चौकदार जी के नाम से एक अलग पहचान थी। चाहे चुनाव हो, कोई भी कार्य हो राज का, चौकदार जी को सबसे पहले याद किया जाता था जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर। तो जिला तो था ही था, अपने विद्यालय को बाय बिरोल को उन्होंने जो दिया वो अस्मरणीय है, उनके सहयोग को भुला नहीं जा सकता। मैं ज्यादा मेरे शब्दों से बयान नहीं कर सकता उनके ऐसे विस्मरणीय सहयोग को। आदरणीय कन्नी सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो भी दो सकते हैं। आदरणीय कन्नी सिंह हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने जो कार्य किया समाज के लिए, विशेष रूप से मैं कहूँगा अपने इस विद्यालय के लिए, उनके कार्य हमें हर समय उनकी याद दिलाते रहेंगे। जो दुर्भाग्यवश 1 मई 2021 कोई संसार से विदा हो गए,
कोरोना के कारण भेंट चढ़ गए, वरना 31 मई 2022 को ही हम उनको बड़े धूमधाम के साथ, बड़े गाजे बाजे के साथ यहाँ से विदा करने वाले थे, सेवानिवृत्त होने वाले थे, लेकिन विधाता को कुछ अलग ही मंजूर था, जो कार्य हमारे हाथ से नहीं हो सका। आज उनका हम इसी विद्यालय में जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। ये इनके परिवार वालों का, उनका इस विद्यालय के प्रति जो स्नेह था, उसी का कारण है कि आज उन्होंने ये बड़ा आयोजन किया है हमारे लिए। हम सब ये विद्यालय परिवार की ओर से उनका आभार व्यक्त करते हैं। उनके कार्य हमेशा हमें याद आते रहेंगे। इस बिरोल गांव में उन्होंने जो कार्य किया, इस विद्यालय को राज्य स्तर तक पहुंचाया, ये विद्यालय परिवार उनका हमेशा बड़ा ऋणी रहे। क्योंकि वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका वो स्वर्ग में जहाँ है वहाँ ये विद्यालय परिवार उनको दिखाई दे रहा है। उनका जन्मदिन आज हम मनाने जा रहे हैं, तो सर्वप्रथम में उनके पिताजी सम्माननीय आदरणीय श्रीमान के, जिस समय मैं यहाँ आया था उसी समय आपका भी अपॉइंटमेंट, एक साथ ही आए थे हम दोनों, दो चार महीने का अंतर था। मैं इससे पहले शनिपुरा था और मैंने ये सोचा कि मैं बिरोल ज्वाइन नहीं करूं, तो मैं 15 दिन जो टाइम मिलता है मेरे को, मैं इधर उधर ट्राई करता रहा कि मेरे को दूसरी जगह जाना है। साहब को पता चल गया कि उनका यहाँ अपॉइंटमेंट है, और 15 दिन जब मैं आया तो उन्होंने मेरे को एक बड़े मजाक के लहजे से बोला कि एक बैंड बाजा लेके आओ, कंडीशन से आए हैं, ये शब्द पूरे स्टाफ के सामने ये बात बोले। मैंने कहा सर ये कैसे, बोले कि आप ज्वाइन नहीं कर रहे थे, पर 15 दिन में आपको मैं ये महसूस करा दूंगा कि जो पिछली स्कूल है उससे ये स्कूल कितनी बढ़िया आपको लगेगी। और वो बात मैं सही बता रहा हूँ, 15 दिन भी नहीं लगे, 10वें दिन ही मेरे को ये महसूस हो गए कि ये मेरे गार्जियन है, प्रिंसिपल नहीं है। बाद में पता चला कि ये मेरे गार्जियन नहीं, ये सब बच्चों के और पूरे गांव के बन गए। एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी, जिनको अपन क्रिकेट की भाषा में कहते हैं ऑलराउंडर। ऑलराउंडर से आप बॉलिंग करवा लो, बैटिंग करवा लो, फील्डिंग करवा लो, कुछ भी करवा लो, वो चीज ओम प्रकाश जी चौकदार जी। हम ये भूल जाते हैं अधिकारी आ जाता है तो टीचर के अपने आप कंपनी छूट छूट जाती है कि यार डायरी चेक करेगा, क्लास चेक करेगा, पता नहीं कितनी कमियां निकालेंगे। 6 साल जब वो रहे तब हमें ये नहीं पता चला कि यार कोई अधिकारी आ भी रहा है, और आ गया वो अपने स्तर पर ही, चाहे वो कितना भी, चाहे जयपुर से आ रहा हो, चाहे नवरगढ़ से आ रहा हो, चाहे वो झुंझुनू से आ रहा हो, ये महसूस ही नहीं होने दिया, अपने आप ही सारा काम सेटल। ये इस वजह से कि आप लेक्चरर से लेकर के बीडीओ प्रिंसिपल सारे पद ले लिए, और वो पद ही नहीं जो सामान्य रूप से जैसे एक शहर के अंदर जितने भी संगठन हैं उन सब संगठनों के पदाधिकारी थे आप, चाहे वो कैसा भी संगठन हो आपको सबसे पहले बुलाते, और जिस संगठन में आप जुड़ जाते उस संगठन के वो अग्रणी रहते, ये उनकी एक विशेषता थी। एक घटना बताता हूं मैं आपको छोटी सी। एक बार यहाँ काम चल रहा था, 2-3 व्यक्ति आए और साहब यहाँ पेड़ पौधों में पेड़ों को साफ कर रहे थे, उन्हीं से टकरा गए कि प्रिंसिपल साहब से बात करनी है। मैंने कहा कि बोलो,
कि नहीं आपसे बात नहीं करनी, आप तो आप अपना काम करो, हमें तो प्रिंसिपल साहब से बात करनी है। बोले ठीक है, आप वहाँ ऑफिस में चलो। आते हैं प्रिंसिपल सर, वो गए और कुर्सी पे बैठ के बोलो कि आप ही देगा प्रिंसिपल। ये उनकी ग्रेटनेस। मैंने एक दिन उनको ऐसे ही कह दिया, मैंने कहा सर मेरे दिमाग में एक प्लान आ रहा है। उनकी सोच ये थी कि मैं यदि 100 रुपए की बात करता हूँ वो 1000 रुपए की बात करते थे। मैंने कहा सर 100 रुपए तो है ही नहीं, आप 1000 रुपए की बात कर रहे हो। अगर आप 1000 रुपए की बात करोगे तब 100 रुपए आएंगे। तो मैंने उनको कहा बच्चों का ये मूड है कि टूर पे चलना है। आपने क्या प्लान बनाया? मैंने कहा सर मैंने तो ये प्लान बनाया कि अपन यहाँ 4-5 साल रहेंगे, पहले अपन छोटी थोड़ी जगह पर जाएंगे, फिर और दूर पर ऐसे दूरी बनाते बनाते अपन उनको विदेश तक ले चलेंगे। यार अब की बात सही कहा, गवर्नमेंट स्कूल में कभी विदेश की बात ही नहीं सोचते। मैंने कहा तो पहला टूर कहाँ था? मैंने कहा सर पहला टूर तो पिलानी का चलेगा। तो हाँ ठीक है चलते, मेरे कहते ही उन्होंने एग्री हो गए। जबकि गवर्नमेंट स्कूल में